राम सबको और कैसे आप सब जी ब्लॉग करते हैं शुरू आज का एक बज चुका है जी। इसे देखो जी, जॉनी जी को लाला जी गए गेट से और ये महाराज जी हो गए अंदर। इन्होंने ले ली एंट्री और यहाँ मस्त अपना नीनी हो रही है और इधर आ गया जी अपना नाश्ता दाल के साथ रात वाली। और जी इधर आ गया जी नवा अचार, इसमें हमने नमक और डाल दिया था, टेस्ट करते हैं। हाँ गल तो बढ़िया गया बट अभी मेथरे वगैरह निकले, मेथरे कड़वे होते हैं ना इसलिए अभी थोड़ा कड़ांगा बना रहा है मेथरों का। इधर आ गई दाल, पूरे तीन दिन बाद आज रोटी खा रहे हैं नाश्ते में, स्वाद आ गया जी, मजा रोटी का ही है। पौने तो हो चुके हैं और आज डिनर में बनेंगे जी बैंगन। कैसे बनेंगे? अलग तरीके के बनेंगे जी। ये देखो ये लगा लिया हमने इसमें कट, ऐसे निके निके बैंगन है ये बनेंगे जी मसाले वाले, तो जिसकी कार्रवाई हम आपको आगे धीरे धीरे बताएंगे। ये देखो फिलहाल तो सारे बैंगन हमने ऐसे कट कर लिए हैं, ये जैसे हमने उस दिन खाए थे गीता क्लास में जो मसाले वाले, वैसे बनाएंगे भाई। मेरे मुंह में अभी तक स्वाद है उनका, माता बहुत ही ज़्यादा स्वाद थे बैंगन, उम्मीद है कि वैसे ही बनेंगे हमारे आज। तो गाइस 6:30 हो चुके हैं और करते हैं जी अब डिनर की तैयारी और जी मसाले वाले बैंगन बनाएंगे। तो उसके लिए जी हमने ले लिए हैं 3 प्याज और 3 ही टमाटर, साथ में ये 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का, 2 आ गई हरी मिर्चें और लहसुन का पाउडर हमारे पास अवेलेबल है ही, तो हम वही डाल देंगे जब इसका मसाला भुनेंगे। तो जी इसको फिर हम प्यूरी बना लेते हैं पहले। मैं तो ये फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, मैंने अब तक ये वाले नहीं बनाए, मसाले वाले तो बहुत बनाए, ये वाले मैं पहली बार बना रहा हूँ। ये ना हमने अभी वॉश नहीं करे, ये देखो ये वैसे ही है, अगर मैं वॉश कर देता ना इन्हें भिगो के रख देता तो ये काले पड़ जाते अंदर से, अभी देखो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद है, तो इसे इंस्टेंट धो लेंगे जब करेंगे ना सेट अपना, इंस्टेंट धोएंगे फिर इसे। अभी प्यूरी है रेडी और इधर कढ़ाई भी रख दी हमने, अब इसमें डालते हैं हम सरसों का तेल और इसे साड़ लेते हैं सरसों के तेल को। तो ये सरसों का तेल बढ़िया सड़ चुका है और इधर हमने रख दी साथ में मसर की दाल, नमक, हल्दी, हींग और हरी मिर्चें डाल के इसे भी दिलवा लेते हैं हम सीटियाँ। और इधर डालते हैं जी हम लहसुन का पाउडर और जीरा, इसे हमने ढक्कन लगा दिया, अब 4-5 सीटियाँ दिलवा लेते हैं इसे। अब डालते हैं ये प्यूरी जो हमने रेडी करी थी और जी अब इसके अंदर जाएगा नमक, हल्दी और लाल मिर्च। नमक हम थोड़ा बाद में ऐड करेंगे बैंगनों के बाद जब हम बैंगन डालेंगे और बाकी के मसाले भी तभी ऐड करेंगे, तो अभी फिलहाल हम ये डाल देते हैं इसके अंदर। गाइस अब मसाले को हम भून लेते हैं, ये गई ऊपर प्लेट ताकि छट्टे ना मारे गाइस। तब तक गाइस हम बैंगन को धो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं अच्छे से। तो गाइस तड़का हो चुका है हमारा तैयार, बढ़िया देखो क्या गजब का हुआ है, ओह वाजी वाह, ऑयल भी रिलीज कर दिया इन्हें बढ़िया। तो अब इसमें हम ऐड करते हैं बैंगन और जी अब इसे हम करेंगे जी सोते, ओए हो वाजी वाह, शक्ल देखो अभी से बैंगनों की मसालेदार, ओए हो लो जी अब इसे बस बैंगन पकाने हैं हमने बस, तो अब मेन काम हमारा यही है बस बैंगन को गलाना। और अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा और नमक कि बैंगन में मिक्स हो जाए, इसलिए मैंने पहले नहीं डाला था नमक, थोड़ा ही डाला था क्योंकि फिर बैंगन रह जाते हैं फिक्के, तो इसलिए अब हमने डाल दिया तो अब बैंगन फिक्के नहीं रहेंगे। और इधर आ गया जी सूखा धनिया, अब फिर मिक्स कर देंगे। हाँ भाई पानी आ रहा, सुगंध आ रही है, अच्छा जी पूरी एक्स्ट्रा पूरी रहा नहीं जाता। अब इसमें हल्का सा मारेगा ये पानी का छट्टा, ये वही वाली प्लेट है जो इसके ऊपर ढकी थी हमने, बस अब धीमी आंच पे हम इसे अब और ढक के पकाएंगे। तो गाइस अब पानी हमने कर दिया मिक्स और अब इसे ढक के हम धीमी आंच पे ही 10-15 मिनट के लिए और पकाएंगे। टाइम हो चुका है 8:25 और बैंगन चेक करते हैं जी, ओ हो 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 गाइस वाह जी वाह, रोगनदार मसालेदार बैंगन है तैयार, गल चुके हैं देखो बढ़िया अपना फर्स्ट क्लास, ओह हो 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 वाह जी वाह मसालेदार। इधर दाल को हम तड़का मार रहे हैं लहसुन और प्याज का जी, अब इसमें हमने डाल दिया है लाल मिर्च, सूखा धनिया और काली मिर्च। लो जी तड़का है अब डन, करते हैं अब दाल में मिक्स हम,
तो जी दाल भी है तैयार, भी रोगनदार, बैंगन भी रोगनदार, बल्ले बल्ले, शवा शवा। अब इसमें ऐड करते हैं जी अमचूर पाउडर। लो जी यही बचा था बस, ये भी हो गया ऐड, मिक्स कर देते हैं। लो जी अब बैंगन फाइनली है तैयार। लो जी गंजे भाई का हैप्पी बर्थडे हैगा, हैप्पी बर्थडे। कटो जी केक कटो जी। फ्लाइंग के साथ किन किनू दे रहे हैं? फ्लाइंग के साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गंजी ब्रो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जी। केक कटाओ दे फिर। नहीं खाने के लिए है, खाने के लिए, कोई मुंह पे मलने के लिए थोड़ी है। अरे खिलान दे खिलान दे, बच्चों खिलान दे, खिलाओ दोनों खिलाओ। इधर देखो, तू भी खिला दे, भर के मर दे दे पूरा केक उसके मुंह में डाल दे। वो देख अच्छे नहीं है। भाई आगे आना पाऊंगा तुहानू। हाँ जी सिस्टर जी अपना आओ जरा। प्रेफरेंस ये कड़ा पहन ले बेटे हाथ में। ये स्पेशल कड़ा है चॉकलेट वाला तेरे लिए। अब तो कौन पहनेगा? पापा पहनेंगे फिर। चल तू इधर आ जा। सिस्टर ब्रदर। हाँ जी इधर देखो, इधर देखो, अखा खोलो बबलू भाई। हाँ जी बल्ले बल्ले आ गए जी। आओ जीजा जी आओ जी। हाँ जी आप बैठ दे, चढ़ गए भाजी। हाँ जी जय लो जी। हाँ जी और मेरा नंबर जे भाई हो गया ना, सब दे हो गए ना। हाँ कोई नहीं आप परफेक्ट आ गई ना। चलो तू खिला दिया ना, और खिलाना एक बार और, एक बार और बस। चलो 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 ठीक है। कड़ा इसको हो गया, और ये क्या था? अच्छा वो एक कांटा भी तो था, कांटा काट ले, कांटे मुन्ना ले लिए ऐसे, तू कांटे मेरे लिए कांटे सी है खा ले दस, चॉकलेट वाले कांटे। ए कड़ा खान नहीं है, पूरी कोठी है और वेल फर्निश्ड किचन इतना शानदार है। कौन सा है? प्याज वाला है, प्याज वाला, अनियन अनियन, चिली फ्लेक्स पाए। हाँ हाँ सब डाले। जुम्मा तो कल है, क्या लेना है? चलो लो, मैंने ले लिया बस। बबलो तेरा ले ले बेटा, सब हो गया यार, हल्के हल्के खा ले, खाते नहीं पिज्जा यार, कम लगा लियो पै गया। सही है नहीं? बढ़िया। अरे सबकी सुबह क्योंकि सारे प्रेमी है ना पिज्जा, पिज्जा तो बहुत बढ़िया, अच्छा पिज्जा, मतलब रेट के हिसाब से बहुत बढ़िया। गंजे भाई का बर्थडे कर लिया हमने सेलिब्रेट, करते हैं भाई डिनर की तैयारी, इसकी प्लेटिंग कर ले। लेकिन ओ जी ये आ गया मसाला ते बैंगन, वाह जी वाह। लो गाइस टन टन बैंगन तैयार, मसाला बैंगन तैयार, फोटो भी ले लेते हैं थंबनेल इसकी। जरा 10:30 बज चुके हैं, डिनर अपना आ गया जी। बैंगन पहले माता से पूछ ले, माता जी कितना लेके बैंगन? गजब खाते नहीं ना कदे ऐसे बैंगन, है ना? देखो थोड़े मुंडे ने खिलाए थोड़ा बैंगन, है आलू नहीं अच्छा लगता, ऐसे ही बढ़िया लगते हैं बैंगन। लो अब हम ट्राई करते हैं भाई। लो जी ये आ गई हमारी बाइट। ये लगाए थोड़ा मसाला, ओए हो वाह जी वाह।
लप लप मसाला भाजी, वाकई शक्ल क्या बढ़िया बनी, वैसे ही बहुत टेस्टी बनी, चटपटे स्वाद। और गाइस ये देखो, मतलब कि बैंगन के अंदर ना पूरा मसाला घुस चुका है, ये देखो हाँ वाह जी वाह, ये देखो। आज तक नहीं बनाए थे भाई ऐसे, लेकिन फर्स्ट टाइम बनाए और पास क्या मैं कह रहा, एक्सीलेंट हो गए, बढ़िया। ओह दाल तो चावलों के साथ खाएंगे। लो जी चावलों का नंबर ए, गजब भाई दाल भी बहुत टेस्टी, अल्टीमेट। थोड़े से चावल मसाले के साथ खा के देखते हैं गाइस। चटपटे बहुत स्वाद भाई, आज तो मतलब मजा आया, आनंद आया, वाह वाह गजब। और आनंद ले लेते हैं, मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट रोम में। बैंगन बनाओ आप भी और हमें बताओ कमेंट बॉक्स में हमारे कि कैसे बने आपके, ट्राई करो एक बार, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो करते हैं फिर वीडियो को हम एंड, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो चैनल बने हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रिय 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 है, बाय बाय, राम राम।